नामांकन पर्चा भर के ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये इससे बेहतर हम कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में मैंने अपना दाखिला कराया है अपने पंचायत के सम्मानित जनता के सम्मान के लिए। जिसके पास सम्मान होता है वही सम्मान देता है। अगर हमारे पास शराब होगा तो हम आपको दूध नहीं दे सकते, शराब ही बेचेंगे। तो जिसके पास सम्मान होता है वही सम्मान देता है। बहुत महसूस हो रहा। अच्छा, ये सम्मान आप देंगे कैसे, जनता आप पे विश्वास कर ले कि आप सम्मान दें? क्योंकि ये देखा जाता है जितने भी प्रत्याशी आए वादे तो कर लेते हैं लेकिन जीतने का मतलब सच्चाई कुछ और होता है। आप पे जनता कैसे विश्वास? हमने जनता से वादा नहीं किया है। जो हकीकत बात है कि वादा से हम खुद ही थक चुके हैं। हम जनता से कोई वादा नहीं किए हैं। हम जनता को जागरूक बनाए हैं कि जनता जागरूक हो कि बेहतर प्रत्याशी चुने। वो किसी को चुन सकती है। जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है और जागरूकता में सबसे बड़ा अगर कोई सहयोग कर सकता है तो वह आप लोग हैं। लेकिन आप लोग सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। क्या सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हैं? आप हक नहीं दिखाते हैं। आप पांच आदमी को, दस आदमी को पिटोर के कहते हैं मुखिया जी पिटोर लिए तो कह दिया, चार आदमी खड़े हुए कह दिया कि बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ। नहीं, बात को समझिए, न्यूज़ नहीं देखते? नहीं, हम जो हकीकत बता रहे हैं, हम आपको एक स्पेशली नहीं करें, हम आपको स्पेशली नहीं करें। आप इसके लिए नहीं सोचे, आपने दिल पर नहीं लिया, दिल पे नहीं देखिए। आप किसी भी मीडिया को बोल रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल नहीं कर सकते। आप एटीएन न्यूज देखिए, उसके बाद सच्चाई जानिए, आप उसके बाद बोलिए। हम पूरे पंचायत के तरफ से बोल रहे हैं। हम आपको कैसे हम विश्वास कर लेंगे कि आप जो आप बोल रहे हैं विकास का बात कर रहे हैं, आप अपने वादे पे खड़े उतरते हैं जीतने के बाद? जीतने का, अभी जीतेंगे तो ही खड़ा उतरेंगे ना जी। आप पहले विश्वास करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र पे लड़ रहे हैं इस बार, जो मूल मंत्र है अगर पहचानने का आप करें कि आप अगर हो जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि आप उस प्रत्याशी का जिसको भी चुन रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हो, आप उसको देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके मिलने जुलने वाले लोग कैसे हैं, उसके मिलने जुलने वाले लोग कैसे हैं, वो समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है कि नहीं किया है, उसके इतिहास बताते हैं कि फ्यूचर में वो क्या करेगा। यह हकीकत। किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं आप? हम लड़ रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे, जो सबसे ज्यादा लचर है हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा लचर है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो विधवा और वृद्धा पेंशन मिलना नहीं हो रहा है। लोगों को नहीं मिल रहा है वृद्धा और विधवा पेंशन। क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए पैसे पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है? सरकार तो पैसे नहीं मांगती ना, वो तो उसे क्रिटेरिया मांगती है। अगर आप क्रिटेरिया देते हैं तो सरकार को उसे वापस देना है, लेकिन हम क्यों उसे बढ़ाते हैं क्रिटेरिया में? एक एजेंट बढ़ा देते हैं, कुछ पैसे बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लेकिन बोले मीडिया के लिए, लेकिन आप हम आपसे बोलते हैं कि आप एटीएन न्यूज जाकर देखिए और तब आपको सच्चाई पता चलेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या हम देखते हैं और क्या करते हैं, वही बात है, सेम बात है। जो आप हमसे पूछे ना कि आप हो जाएंगे तो आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दूसरे प्रत्याशी के हिसाब से इस पर डाउट है। नहीं नहीं, दूसरे प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी जीतते हैं वादे नहीं करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जीतने के बाद जमीनी हकीकत कुछ और होता है। आप पे कैसे विश्वास करें? यही बात हम कहेंगे, हम आप पर कैसे विश्वास करें कि आप सही करते हैं? इसलिए कि आपका हमको पुराना न्यूज देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमारा भी पुराना क्राइटेरिया देख लिया जाना कि हम कर सकते हैं कि नहीं। हम सिर्फ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, जुनेद अख्तर हमारा नाम है।